तुम्हारे बगैर मैं, तुम्हारे बगैर मैं नदी तो हो सकती हूँ, पर उसकी धारा रुकी होगी। गुलाब तो हो सकती हूँ, पर उसमें खुशबू नहीं होगी। चांद भी हो सकती हूँ, पर वो अमावस का चांद होगा। बन सकती हूँ इंद्रधनुष भी, पर सातों रंग बेरंग होंगे। मुझे कैक्टस के फूलों में भी चाहिए मीठी सुगंध, इसीलिए जरूरी है तुम्हारा रहना मेरे संग। नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ मौसमी चंद्रा और आज आपको अपनी ही लिखी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कुहू। ये मेरी किताब टूटती सांकलें की पहली कहानी है। शाम का धुंध लगा, सूरज करीब करीब डूब गया था। कुहू को शामें बहुत लुभाती है, रंग बदलता आसमान मन मोह लेता है। ऐसी शामों का तन्हा कटना सितम ढाता है। खैर था, आज ईद पास था। कुहू ने लवर्स वाली कॉफी मग निकाली, झाग वाली गर्म कॉफी हो, सनम साथ हो, फिर किस चीज की दरकार। बालकनी में लगी केन की बेंच पर कुहू ने कॉफी रख दी। आओ जीत, कॉफी बनाई है। जीत जानता था पीने के लिए बालकनी जाना कंपलसरी है, कुहू का बनाया नियम। जिसे डालने का मतलब होता है उसका मुरझाया चेहरा देखना, जो जीत देख नहीं सकता। कुहू जब भी उदास होती, जीत के हृदय की बारीक झिल्लियों में बहता रक्त जैसे थमने लगता। वैसे भी ना जाने ऐसी कितनी अनगिनत शामें और रातें कुहू ने तन्हा गुजारी है। मजबूरी, विवशता, या चाहे जिस भी जाम का नाम का जामा पहना दो, तन्हाई तो तन्हाई होती है ना। तब इंसान अपने घर होकर भी बेघर ही महसूस करता है। फोन रखते वक्त जब कुहू सुबक पड़ती, दरअसल वो आंसू नहीं होते, दरख्वास्त होते जीत को बुलाने की। और जीत चाह कर भी उस दरख्वास्त के नीचे अपने आने की कोई निश्चित तारीख मुकर्रर नहीं कर पाता। और जब जीत आता, कुहू की उमस भरी जिंदगी प्रेम की बारिश के झकोरों से सराबोर हो जाती। अकेली रातों की सारी उष्णता जैसे छू मंतर। कॉफी पीते जीत के हाथ कुहू के गाल सहलाने लगे। जब भी वो कुहू के पास होता, अपने खोए समय का हर लम्हा जी लेना चाहता था। जब लौटता तो इन एहसासों की ताजगी जिंदा रखती उसे और कुहू को। रात फिर गुलजार के पसमीने सी थी, नर्म मुलायम। इश्क, मिलन, समर्पण, कितने खूबसूरत शब्द हैं। और उससे भी खूबसूरत क्या होता है पता है? उससे भी खूबसूरत होती है अपने प्रेम पर समर्पित एक स्त्री। कितना समय हो गया दोनों को एक दूसरे के बीच आए, करीब आए। जोड़ा जाए तो 5-6 कैलेंडर बदल गए हैं दीवार से। इतने साल और इन सालों में एक भी बार कुहू ने कुछ नहीं मांगा जीत से, न वक्त और न कोई रिश्ता। होता है ना, कहते हैं कुछ रिश्ते एहसासों से बनते हैं, उनके नाम नहीं होते, ये बस दिल से दिल तक जुड़े होते हैं।
सरेआम नहीं होते। इसी को अपनी तकदीर मान कुहु जीती चली जा रही थी। जीत ने उसे पहली मुलाकात में ही ये बता दिया था कि वो शादीशुदा है, एक ऐसे बंधन में बंधा जो बांधा तो गया सात जन्मों के रिश्तों का नाम देकर, पर एक जन्म निभाने में ही अपाहिज हो गया बेचारा रिश्ता। न जीत खुश था न उसकी पत्नी। कितना अजीब होता है ना हमारे साथ, दो अजनबियों को इस उम्मीद में एक साथ जोड़ दिया जाता है कि वो भविष्य में एक आदर्श पति पत्नी को परिभाषित करेंगे, एक पूरब दूसरा पश्चिम। कुछ बन भी जाते हैं समाज के बीच परफेक्ट कपल, शायद ही कोई ये समझ पाता है कि इस एग्जाम्पल को सेट करने में किसी एक बेचारे को कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी, किसके अरमानों को रेता गया। जीत की पत्नी को अपनी क्लासमेट से प्यार था, पहला प्यार यूं भी नहीं भूल पाते हम सब। उस पर अल्हड़पन का ये प्रेम अगर उस पड़ाव तक आ जाए जहां प्रेम को समझने की समझ आ जाती है पर कहानी अधूरी रह जाती है। फिर भले उसकी मांग में सिंदूर तो पति भरता है पर दिल में कोई और ही भरा होता है। न्याय नहीं कर पाती वो जबरदस्ती के थोपे लाल रंग से। वो बन जाती है एक पत्नी पर बिस्तर पर ठंडी पड़ी उसकी देह जता देती है इस रिश्ते का मौन विरोध। इस विरोध का जीत को एहसास हो गया था, उसने बहुत कोशिशें की पर नतीजा शून्य। कविताओं में जीने वाले जीत का भावुक मन इस विरोध को झेल न सका। कई बार सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहना पड़ता है। जीत भी खामोश हो गया, विरक्ति हो गई स्वभाव में, अक्खड़पन बेवजह का गुस्सा अपने लिए बदनी से बना ली उसने, मानो अंधेरों से सुलह कर ली हो। जैसे इतने कठोर आवरण में लपेट लिया कि लोग बात करने के पहले 100 बार सोचते। जीत इसको अपनी जीत समझता, अपने काम को नशा बना लिया और डूबता चला गया। और तभी एक मरमरी हवा सी कुहू उसकी जिंदगी में आई, परिवार से चली गई ऐसी लड़की जो पिता की मौत के बाद खुद बन गई अपनी दो छोटी बहनों का पिता। सारी जिम्मेदारियां पूरी की और बदले में क्या मिला पता है? बदले में मिली अपनों की उपेक्षा। फिर ना शादी की उम्र बची न किसी रिश्ते में बंधने की ललक। पर जीत से मिलना अलग था, इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व पहली मुलाकात में जीत को कुहू से जुड़ाव हो गया। जीत की कोशिशें भी नाकामयाब गई। कुहू कब उसकी लगाई सारी बंदिशों को भेद कर उसके हृदय तल में समाती चली गई वो जान ही नहीं पाया। प्रेम के लिए बरसों तपा था जीत, कुहू का प्यार उस तपते मन पर सबनम की बूंदों की तरह बरस गया। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे, जैसे ईश्वर ने एक दूसरे के लिए गढ़ा हो और जोड़ना भूल गए हो। कुहू को जीत का मन पढ़ना आता था, जीत को कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ी वो चाहता क्या है। कुहू के लिए जीत की खुशी ही सब कुछ थी। सबसे मजेदार, जीत ने कभी आई लव यू नहीं बोला, उसने सिर्फ एक बार यही कहा था, मैंने जब से होश संभाला कभी किसी से उम्मीद नहीं की, थोड़ी उम्मीद अपनी पत्नी से की पर फिर तय कर लिया जीवन में कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं करूंगा, क्योंकि पता है कुहू दुख का कारण केवल यही है, दूसरों से उम्मीदें। पता नहीं क्यों तुमसे परसों बाद हो गई है छोटी सी मोहब्बत की उम्मीद। अब ये सुनने के बाद आई लव यू सुनने की जरूरत थी क्या कुहू को? बिल्कुल भी नहीं। जीत अब हंसने लगा था, खुलकर जीने लगा था। उसकी बंदिशें, उसका अक्खड़पन, उसका गुस्सा सब पर
कुहू का प्यार भारी पड़ने लगा। कॉफी पीते जीत कुहू को एक टक देख रहा था। उसकी चंचल आंखें, भरे भरे होठ, तीखी नाक जिसमें लगी छोटी सी नथ को नथ में सूरज की सिंदूरी जैसी चमकती हुई तेज थी। उसका दमकता चेहरा देखकर जीत आत्मग्लानी से भर गया। कैसी पागल है, कितनी खुश हो जाती है मेरे आने से। उसने कुहू का हाथ पकड़ा और कहा, बाबू रे मैं ग्लानी महसूस करता हूँ कभी कभी। इस बेनाम से रिश्ते को कोई नाम नहीं दे पाया ना, गलत कर रहा तेरे साथ। कुहू ने जीत की ओर देखा, उसकी बादामी आंखें भर आई। जीत, अगर इस रिश्ते का कोई नाम होता तो मुझसे ज्यादा खुश नसीब कोई ना होता। ईश्वर की यही मर्जी थी, शायद हमें इसी तरह मिलना था, अपने अपने रिश्तों से टूटे हुए, आधे अधूरे से। पर खुशी इस बात की है कि मैं अब तो मिली तुमसे। तुमने कभी नदी को देखा है? वह बहती तो किनारों के साथ है, पर किनारों के साथ रहती नहीं। वह बहने के लिए जीती है, जीने के लिए नहीं बहती। ना हमारी तरह इतने शर्त लगाती है। हम जगह जगह रिश्तों के नाम की बांध लगाते हैं, सोचते हैं जीवन की गति अपने तरीके से चलाएंगे। चला पाते हैं क्या? नहीं जीत, हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं रुकता, धारा बहती जाती है। हम जब कहीं जाते हैं तो उस जगह की खूबसूरत यादें साथ लेकर जाते हैं, संभाल कर रखते हैं उन्हें। मैं भी चाहती हूँ जब इस दुनिया से जाऊं अच्छी यादें लेकर जाऊं, तुम्हारी और मेरी। अब दुनिया कुछ भी बोले, मेरे लिए तो यही बहुत है। जीत की कुहू और कुहू का जीत, बस कहकर कुहू उसके सीने से लिपट गए। जीत दो पल विस्मित सा खड़ा रहा, उसके हाथ कुहू की कमर पर कस गए, आंखें मुद गई। ऊपर आसमान में सूरज डूब रहा था, चांद छोटी सी खिड़की खोले झांक रहा था, ऐसे जैसे सख्त सलाखें मरोर कर आतुर हो देखने को कोई एक नई सुबह। मैं बूंद बूंद रख रही तुमसे मिला प्रेम, जब दफन हो तो बुड़क देना उसी प्रेम को मिट्टी की शक्ल में, चुटकियों में भरकर सुकून की नींद आएगी। तो ये थी आज की कहानी। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। और अभी आप सुन रहे थे मुझे यानी मौसमी चंद्रा को उसकी अपनी कहानी कुहू के साथ। तो अगली बार मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।